Good morning everyone. मैं खुर्शीदा बानो, सीनियर लेक्चरर इंटीरियर डेकोरेशन राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको ID 307 विषय इंटीरियर डिज़ाइन एंड फर्नीचर डिज़ाइन सेकंड के यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत लॉबी, रेस्टोरेंट, स्वीट रूम, बार एवं ब्यूटी पार्लर आदि में जो फर्नीचर अरेंजमेंट किया जाता है उसमें सीटिंग की बेसिक ग्रुपिंग किस प्रकार की जाती है उसके बारे में बताऊंगी। सीटिंग की बेसिक ग्रुपिंग में फर्स्ट ग्रुपिंग होती है स्ट्रेट लाइन ग्रुपिंग। इसके अंतर्गत फर्नीचर को एक ही सीधी लाइन में अरेंज किया जाता है। इस ग्रुपिंग का उद्देश्य ज़्यादा संख्या में लोगों को बिठाने हेतु किया जाता है। सार्वजनिक एवं व्यावसायिक भवनों में इस प्रकार की ग्रुपिंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, जैसे थिएटर, प्रतीक्षा कक्ष, क्लासरूम्स, चर्च, स्टेडियम और भी अदर इस प्रकार के स्पेस जहाँ पर बहुत सारे लोगों को व्यवस्थित रूप से बिठाया जाना है, उन जगह पर ये ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा की जाती है। इस प्रकार की ग्रुपिंग में बातचीत करना मुश्किल होता है, परंतु एक सीधी लाइन में बैठे होने के कारण यह एक व्यवस्थित ग्रुपिंग होती है। दूसरी ग्रुपिंग जो होती है वो है एल शेप ग्रुपिंग। इस व्यवस्था में सीटिंग पीसेस को एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है। यह व्यवस्था बातचीत के लिए उपयुक्त होती है। इसमें सोफ़ा अथवा चेयर के मध्य में एंगल पर एक टेबल रखकर एल शेप बनाया जाता है। यह व्यवस्था घरों में, वेटिंग एरिया में, ऑफिसेज के वेटिंग एरिया में या ऑफिसेज में, होटल के लॉबी में और दूसरे जो व्यावसायिक भवन होते हैं उनके वेटिंग एरिया या उनके फर्नीचर अरेंजमेंट में लगाई जाती है। तीसरा जो ग्रुपिंग होती है तीसरी जो ग्रुपिंग होती है वह यू शेप्ड ग्रुपिंग होती है। इस व्यवस्था में किसी भी सिटिंग फर्नीचर के दोनों तरफ जो एंगल होते हैं उन पर 90 डिग्री के कोण पर आगे की तरफ सिटिंग के लिए फर्नीचर लगाकर इसको पूरा किया जाता है। यह व्यवस्था होटल की लॉबी में, घरों के ड्राइंग रूम में और बहुत सारी जगहों पर, जैसे बड़े स्वीट रूम्स हैं या उन जगहों पर इसको काम में लिया जाता है। इस व्यवस्था में भी लोगों के आपस में बातचीत करने में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है और यह एक अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। फोर्थ जो ग्रुपिंग है वो है बॉक्स शेप्ड ग्रुपिंग। इस व्यवस्था में यू शेप के अंतर्गत ही कुछ और सिटिंग पीसेस, कुर्सी, स्टूल या सोफ़ा आदि लगाकर उसको बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार की ग्रुपिंग भी बड़ी होटल्स में लॉबी में लगाई जाती है या बड़े ऑफिसेज में जहाँ पर वेटिंग एरिया अलग अलग ग्रुप के लिए बनाया जाता है उन जगहों पर लगाई जाती है। इसके अलावा बड़े स्वीट रूम में, फायर प्लेसेस के आसपास भी इस प्रकार की ग्रुपिंग की जाती है। फिफ्थ जो ग्रुपिंग होती है वो सर्कुलर ग्रुपिंग होती है। जैसा कि इसके नाम में ही समाहित है कि इसके चारों तरफ सिटिंग की व्यवस्था एक सर्कल में की जाती है
यह ग्रुपिंग बातचीत के लिए या वार्ता इंटरेक्शन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसमें प्रत्येक एक दूसरे को सामने देखकर वार्तालाप कर सकता है। सिक्स नंबर पे जो ग्रुपिंग आती है वो है पैरेलल ग्रुपिंग। यह अरेंजमेंट प्राकृतिक रूप से ही आमने सामने बैठने वालों को बहुत अच्छा फील करवाता है। यह ग्रुपिंग भी ऑफिस, रेस्टोरेंट और बहुत सारी जगहों पर की जाती है। इस ग्रुपिंग को वार्तालाप के लिए एक्सेलेंट ग्रुपिंग माना जाता है। सेवेंथ पे आती है सोलो ग्रुपिंग। सोलो ग्रुपिंग के अंतर्गत एक सिटिंग पीस को किसी अन्य टेबल के साथ, जैसे रीडिंग टेबल, ऑफिस टेबल, वर्किंग टेबल आदि के साथ रखकर ग्रुपिंग की जाती है। यह ग्रुपिंग घरों में, रेस्टोरेंट में, लॉबी में और ऑफिस में और बालकनीज आदि में की जाती है। थैंक यू।